नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लडी सत्य के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी जानकारी जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है। और ये बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है दोस्तों। इस जानकारी को समझने से पहले हम कुछ बातें, कुछ तथ्य समझते हैं। दोस्तों, आज के दिन में, आज के टाइम में हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे देश में कोई तूफान वगैरह आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। आजकल की आधुनिक चीजें इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, वैज्ञानिक इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हमें आने वाली परेशानी के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जिसकी शक्ति के बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, तो वो हमें पूरी तरह से झंझोड़ के रख देती है। और उसका एग्जाम्पल हम तो आज की दुनिया में देख ही रहे हैं, ये महामारी, ये परेशानियां। लेकिन दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत बड़ी परेशानी हमारी पृथ्वी पर अभी अभी मंडराना शुरू हो गई है, और ये परेशानी है सोलर सिस्टम की, सोलर स्ट्रोम की। सोलर स्ट्रोम क्या है, ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है? सोलर स्ट्रोम एक बहुत ही आसान भाषा में एक सूरज से निकलता हुआ तूफान है, जो कि पृथ्वी से टकराने के बाद, सूरज से निकलने वाला तूफान पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी को किन किन तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसकी शक्तियों का अंदाजा बिल्कुल भी अभी वैज्ञानिकों को नहीं है। जब कभी भी आग से निकलती हुई लपटें अगर पृथ्वी से टकराएगी तो क्या होगा? क्या सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा? पृथ्वी जल जाएगी? क्या हमारा वो अंतिम दिन होगा? दोस्तों, आइए इस तूफान की गहन जानकारी इकट्ठी करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके आने से कैसे हमारा इंटरनेट पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले नासा ने और कई सारे वेदर फोरकास्ट कंपनीज ने यह बात सामने रखी है कि जब कभी भी सोलर स्ट्रोम होगा, और यह सोलर स्ट्रोम कभी भी हो सकता है, कभी भी, तो पूरी तरह से इस दुनिया से इंटरनेट कट ऑफ हो जाएगा, पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी, एरोप्लेन्स नहीं चल पाएंगे, सारे ट्रांसपोर्ट ठप पड़ जाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम नहीं कर पाएंगे, बड़ी से बड़ी परेशानी हमारे सामने आके खड़ी हो सकती है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज की दुनिया में, आज की आधुनिक दुनिया में सारी चीजें इंटरनेट और बिजली की बदौलत ही चल रही है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कोई सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो फ्लाइट्स हो, हमारा ये वीडियो हो, कुछ भी चीज हो, इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग बहुत ही आसानी से जुड़े हुए हैं और टिके हुए हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि हमारे इंटरनेट पर ही आ जाए बहुत बड़ा अकाल, तो क्या होगा दोस्तों? और ये अकाल कैसे आ सकता है, मैं बताता हूं। एक रिपोर्ट जारी हुई है अभी कुछ ही दिनों पहले, और गूगल में आप इसके ऊपर पूरा आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि सूरज से निकल रहा एक बहुत ही खौफनाक तूफान एक्चुअली निकल चुका है, और वो 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही ये तूफान पृथ्वी को टच करेगा, तो इससे जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से हिल जाएगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के हिलने की वजह से पृथ्वी में मौजूद जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स वाले वायर है, जिससे इंटरनेट का मतलब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला पा रहे हैं, आसान भाषा में आप लोगों को मैं बताऊं तो, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हालांकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स होते हैं जिससे इंटरनेट का आदान प्रदान होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया जाता है, और वो किसी भी तरह के सोलर स्ट्रोम को सहने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में जो ऑप्टिकल फाइबर के केबल हैं, ये हमारे समुद्रों के, हमारे पानी के जो स्रोत होते हैं उनके नीचे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। इतनी ज्यादा लंबे होने की वजह से इसमें कुछ अंदर टेक्निकल चीजें होती है, जिसकी वजह से ये हमारा ये जो सोलर स्ट्रोम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं। इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हिलेगी, इसका एक तरफ से जो संचार है इंटरनेट का, वो पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये ज्यादा ताकत से आ गई, ज्यादा प्रभाव के साथ आ गई, तो दूसरी तरफ से भी संचार इसका कंप्लीटली बंद हो जाएगा। जो इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है, ये दो तरह से, मतलब दो तरफ से, एक एंड से और दूसरे एंड से, दोनों तरफ से इंटरनेट का आदान प्रदान करते हैं, और अगर ये दोनों ही बंद हो जाए तो इंटरनेट कंप्लीटली बंद हो जाएगा। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे जो जल स्रोत है उसके नीचे मौजूद हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है।
एज कंपेयर टू दोज वायर्स जो कि हमारे जल सतह के ऊपरी वाले हिस्से में मौजूद हैं। जैसे ही ये जो तरंगे है, ये जो तूफान है, पृथ्वी से टकराएगा, इंटरनेट आधे से एक घंटे के अंदर कंप्लीटली इस दुनिया से बंद पड़ जाएगा। एक घंटे से दो घंटे के अंदर पूरी दुनिया से कंप्लीटली बिजली का कट ऑफ हो जाएगा। कुछ ही पलों में जो आसमान में एयरप्लेन उड़ रहे होंगे उनका जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा और उन्हें बिना जीपीएस सिग्नल के ही अपने प्लेन को लैंड कराना होगा। इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और काफी सारी दुर्घटनाएं भी सामने आ सकती है। जितने भी दफ्तर हैं जो कि आईटी कंपनी है, जो कि कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है, वो पूरी तरह से बंद पड़ जाएंगे। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप जैसा देख रहे हैं हमारा वीडियो, ये कंप्लीटली बंद पड़ जाएगा और ना ही हम किसी से फोन में बात कर पाएंगे और ना ही हम किसी को मैसेज भेज पाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो तूफान है, ये जैसे ही पृथ्वी के पास पहुंचेंगे तो ये सबसे पहले नुकसान पहुंचाएंगे पृथ्वी के ऊपर घूमती हुई सैटेलाइट्स को, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इसी वजह से जितने भी हमारे संचार के आज के टाइम में जो चीजें हैं वो बंद पड़ जाएंगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ जाएंगे। ना ही हम अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे, ना ही लैपटॉप, ना ही हम टीवी देख पाएंगे। नासा का यह कहना है कि उन लोगों के पास एक ऐसा सैटेलाइट तैयार है जो कि हर पल सूर्य में होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करके उन तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। नासा का यह कहना है कि जैसे ही कुछ ऐसी अपडेट आती है तो एटलीस्ट 3 दिन पहले ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये परेशानी अब पृथ्वी में आने वाली है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अभी पिछले 1 महीने के आसपास से ये बहुत सारे वेदर फॉरकास्ट वाले लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम अब कभी भी किसी भी पल किसी के भी सामने, यानी हमारी पूरी दुनिया के सामने आ सकती है। उस समय जब रात का टाइम आएगा तो आसमान में दिखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरंगे, एक बहुत ही अलग सा, बहुत ही दुर्लभ नजारा होगा। ये जो कांड है ये इससे पहले सन 1859 सितंबर में हो चुका है। उस समय इतनी आधुनिक चीजें थी ही नहीं, उस समय इतने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे ही नहीं। उस समय जो संचार का माध्यम था, एक दूसरे से अगर किसी को मैसेज पहुंचाना होता था एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में, तो टेलीग्राफी का उपयोग किया जाता था। ऐसी कुछ मशीन होती थी, आपने कुछ फिल्मों में भी देखे होंगे। जब ये सोलर स्ट्रोम 1859 में भी हुआ था तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था उस समय टेलीग्राफी को और संचार के माध्यम को, क्योंकि उस समय जो केबल्स होते थे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं होते थे, बल्कि बहुत ही आम वायर्स का उपयोग किया जाता था संचार के माध्यम के लिए, जो कि पूरी तरह से जल गए थे। इसके बाद सन 1921 के आसपास भी एक ऐसी ही सोलर स्ट्रोम की भीषण तबाही देखने मिली थी, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान संचार माध्यम को उठाना पड़ा था। लेकिन उस समय इतना ज्यादा नोटिस नहीं हुआ था और ना ही उस समय इतना ज्यादा फर्क पड़ा था, क्योंकि हम इंटरनेट पर, बिजली पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हम देखे जाए तो बिना फोन, बिना इंटरनेट और बिना बिजली के तो चल फिर भी नहीं सकते। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सचमुच में हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? दरअसल सूरज में हर पल होता रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और उस वजह से सूरज हर समय हमारे जो सोलर सिस्टम है वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स को फेंकता रहता है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये जो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है ये पूरी तरह से हमारे सोलर सिस्टम में फैले रहते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कि अभी हो रहा है, जैसे कि 1859 में हुआ था, कि हमारी पृथ्वी जब ज्यादा मात्रा में वहां से चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं उसे अट्रैक्ट करने लगती है और वो चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी की तरफ तेजी से, तेज रफ्तार से बढ़ने लगते हैं, जैसे अभी बढ़ रहे हैं 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जैसे ही ये पृथ्वी की सतह को छूते हैं तो हमारा संचार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो फिर आखिर कितनी देर के लिए हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, इसकी पुष्टि तो आज तक कोई नहीं कर पाया, जब से रिपोर्ट सामने आई है कोई क्लियर नहीं कर पाया है कि कितने देर में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं है जो हमारा दुश्मन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो इसके लिए पूरे रेडी रहते हैं कि बाय चांस अगर एक वे है वो बंद पड़ जाए तो हम उसके दूसरे वे से इंटरनेट का उपयोग कर पाए। लेकिन वैज्ञानिकों की माने, शोधकर्ताओं की माने, तो ये सोलर स्ट्रोम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि ये दोनों ही संचार के तरीके को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। अब बात आ रही है पूरी दुनिया से कट ऑफ होने की, तो पूरी दुनिया में
रिपेयर होने में जितना भी टाइम लगेगा आप समझ सकते हैं उतने टाइम तक हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिकों के हिसाब से जो बिजली होगी वो हमें जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि बिजली के जो वायर्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जल सतह के ऊपर होते हैं, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन जिसकी मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि ये जल सतह के अंदर होते हैं और ये बहुत लंबे होते हैं, इस वजह से ये पूरी तरह से ख़राब हो सकते हैं और इनको वापस से ठीक होने में ना जाने कितना समय लग जाएगा। आप समझ सकते हैं ना कि हमारी दुनिया बैक टू 60s या 50s में चली जाएगी, 1960s या 1950s में, बिना अच्छी तरह से बिजली के, बिना इंटरनेट के लोग कैसे रहते होंगे। इमेजिन कीजिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने दादा दादी से पूछिए, शायद समझ में आएगा। ये बहुत स्कैरी हो सकता है और साथ ही साथ बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप लोगों के मन में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इंटरनेट में सोलर स्ट्रोम 2021 लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। मैंने सोचा वो जानकारी आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊं, तो वही मेरी कोशिश थी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और प्रे करना कि ऐसी प्राकृतिक आपदा हमारे सामने कभी ना आए, कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम बच जाए। चलिए दोस्तों, हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।